होली उत्सव के उपलक्ष्य पर समाचार पत्र सोसाइटी रिव्यू टाइम्स ने प्रकाशित किया होली विशेषांक। एसआर टाइम्स के होली विशेषांक का विमोचन रानीगंज चौपाल के सदस्यों ने सामूहिक रूप से किया। होली विशेषांक का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार पत्र सोसाइटी रिव्यू टाइम्स के तरफ से रंगों के त्योहार होली के उपलक्ष्य में होली विशेषांक का विमोचन किया गया। गुरुवार को रानीगंज चौपाल के सदस्यों द्वारा सोसाइटी रिव्यू टाइम्स के होली विशेषांक का विमोचन किया गया। सोसाइटी रिव्यू टाइम्स के होली विशेषांक में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुरा न मानो होली है के तर्ज पर राजनीति से लेकर उद्योग जगत और समाज के सभी स्तर के बुद्धिजीवियों तथा विशिष्ट लोगों को होली की उपाधियों से विभूषित किया गया है। रानीगंज चौपाल के तरफ से समाज सेवी ओम प्रकाश बाजोरिया, रमेश लोयलका, अनिल झुंझुनवाला समेत तमाम सदस्यों ने मिलकर सोसाइटी रिव्यू टाइम्स के होली विशेषांक का विमोचन किया। साथ ही रानीगंज चौपाल के सदस्यों ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। इस दौरान रानीगंज चौपाल के सदस्यों ने कहा कि सोसाइटी रिव्यू टाइम्स के होली विशेषांक का लोगों को वर्ष भर इंतजार रहता है और होली विशेषांक में दी गई उपाधियां चर्चा का विषय बनी रहती हैं। होली पर दी जाने वाली उपाधियां रंगों के त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देती हैं। साप्ताहिक समाचार पत्र सोसाइटी रिव्यू टाइम्स ने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान स्थापित की है और अपनी विश्वसनीय खबरों के साथ लोकप्रियता अर्जित की है। आज जो होली विशेषांक अभी निकला है, जिसको लोगों को बहुत इंतजार रहता है कई वर्षों से, जिसमें टाइटल दी जाती है, जिस लोगों का सारे जीवन अपने पूरे साल में उसने जो कार्य किया है उसको देखते हुए टाइटल दी जाती है और उसको पढ़ने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। आज उसी टाइटल के पेपर का विमोचन हम लोग अभी यहाँ करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग की जिसकी भी टाइटल जो भी निकली हो उसमें बुरा ना माने, क्योंकि यह होली है। धन्यवाद। बड़ा प्रेम का त्यौहार है, आपस में बहुत ही प्रेम दिखाते हैं। आज सुबह से ही बहुत खुशी है, कल से ही हम इस आनंद से विभोत हैं कि कल और परसों दो दिन जो है हम जीवन का आनंद लेंगे, आपस का भाईचारा का प्रेम समझ। मेरी तरफ से सभी चौपाल वासियों, खासकर ओम भैया, रमेश भैया, अजय भैया, रवि भैया, अमित भैया लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें हर उम्र के वर्ग के लोग इसमें हम लोग सम्मिलित हैं और इसका आनंद जो है ना, जो मजा उम्र जो बढ़ते जाता है ना, वो लगता है कि जवानी अब बढ़ रही है। सोसाइटी रिव्यू टाइम्स के संपादक विनोद कुमार जायसवाल ने कहा कि रानीगंज चौपाल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे किसी भी छोटी सी पहल को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सोसाइटी रिव्यू टाइम्स के होली विशेषांक के जरिए एक प्रयास किया गया है कि रंगों का त्योहार होली हर किसी के जीवन में और मिठास घोले। के बोले कि नहीं, इसको अच्छी तरह से करना है और हमने ये चौपाल की विशेषता देखी है कि छोटे से चीज को भी बड़े अच्छे ढंग से पेश करने की कला रानीगंज में कितने संस्थाओं में है ये नहीं जानते, किंतु हमने जो अनुभव किया रानीगंज चौपाल में ये कला है और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए भी क्षमा चाह लेता हूँ। जो लोग होली में जिनका टाइटल जिनको अच्छा नहीं लगा वो भी मुस्कुराए और जिनको अच्छा लगा वो तो खासकर मुस्कुराए और किसी कारणवश या मेरी गलतियों की वजह से जो लोग छूट गए हैं उनसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ, वो भी दूसरों के टाइटल भरकर मुस्कुराए और मुझे क्षमा करे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके प्राचीन शहर रानीगंज में कोलकाता महानगर की तर्ज पर बन रहा है शहर के मध्य अत्याधुनिक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड बाय दामोदर कॉमोडिल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस अत्याधुनिक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेंगे 1207 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट एरिया का 3 BHK फ्लैट पार्किंग स्पेस। साथ ही साथ आपको मिलेंगे स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, कम्युनिटी हॉल, कॉमर्शियल शॉप्स, 24 आवर लिफ्ट और सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी। फिर देर किस बात की, अच्छे वातावरण और सुरक्षित परिवेश में रहने के लिए आज ही संपर्क करें। PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, सोलाना दुर्गा मंदिर के निकट, रानीगंज, पश्चिम बर्धमान। कॉन्टैक्ट नंबर 03412441896 9614147280। दामोदर रेसिडेंसी, ड्रीम होम डेस्टिनेशन।